लैला खो 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 न रे दोगली भोसरो ना खड़ा कैले बानी हई सरोसा के भाजा वाले त पर परालू अंडा देखा तनी कैसे ना पारता पारा ना त हगा मुता के जिया ने करा दे पर ए भइयो ए दादा के मुगा दे बहु का ओकरा पारे के होती त पड़तै ना त ना पड़तै सुनना भइयो 2 घंटा से हम तोर नौटंकी देखा तनी काल हमर अंडा खाए के भाज बा अगर मुर्गी के तनको रेफ लाग गेल त साले भूल जाम कि तू हमर बड़ भाई बारे हां त भूल ना जो केंगे तोरा से अंडा वा परवा लेता नी साले मुंह ना गार बल गोबना नाम चाहतरन के आज मुर्गी अंडा वा ना परो इस तरह के काल भाज बा त कल 2 गो अंडा खाई हम लैला लैला आराम से पारो लेकिन आजे पारो कावे सार लोग हम जानते तोन को जी आ जाइबो हमरा बाप के जूस खाना लोग आंटा पर भार लगा था एगो मुर्गी पोसले बानी कोर कुटु मता कुटा भी लाई लेखन दौरा था रोहई त खाई सारवा सब लेकिन ये सार लोग सब बची तो अपनो क्यों खाई ए लोग के मुंह मारे के बा हमरा हई सारो से खा लो तो कुछ बोलल ना मौगाए रहल आ हमरा पर चाप चढ़ले बार ड्राइवर बानी तोरा से अरे अपना काम है बनता आ गार मारबे कुटु रे कौनागत के सारी बोलले हरी तनको शोभलाऊ हो पार दल अंडा लैला अंडा के साथ साथ गंदा भी कर दिलू अब चल जा होकर लगे होकर बाड़ी आज अन कोच बना के खाए बहुओ तनका हमरो के खियाइए दादा देखा तरह उतने बहुत बा सूंगे दे हमारा ही ना खियावे के बात करो तरह जो सरवा ना खियाइए हमारा ने खियाव जाता के होके ए माई ए तनका तेल बेसी रखिए अंडा फूले के चाहिए जिंदगी भर हमरे कमाई खाई का दुन सरवा ए माई तनी हमरो के दी है हमनियो बेटे बनियो रोको ना बाबू हमर दे तनी आज अंडा छुआ गेल नु त चूल्हे फोराई आज हां तोहर बाप ने चूल्हा बनेले बरन फोड़ दिया नी पुतरो कहीं के हरिओम 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 धर बो धर तंग तुर ले का दिन हमार ना कोरोना खाई धर रे चाणवा धर अपना गारो में ठूस ले धर धर घर में अंडा खाना बनी तो खाएं क्या वो निकला देखा बाहर के उबाइल बा ए सुना ता नहीं देखी ना क्यों चिल्लाता कुत्ता लेखन कौन चिल्लाता रे के बा ए बा आदमी नहीं के चिना है पहले एक गिलास पानी ले आओ पुला करे के बा प्रणाम अरे सतरंगी बाबू का समाचार बा अब बोरी दिन बाद पूरा वेशभूषा बदल के फूफा जी प्रणाम प्रणाम फूफा प्रणाम फूफा खूब खुश रह खूब खुश रह आइला आ तू का फूआ 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 तो थोड़े मजे मारत हो फूफा मेहमान जी तनी होश में न तरारू बहन के मजे मरवा दे ए महाराज मजे मारे के मतलब गलत का समझे तनी घर में पंखा लागल बा गैस पे खाना बनाता वॉशिंग मशीन में कपड़ा पिटाईता ई सब मजा ना बत का बा ए फूफा तो बात ठीक है कहत हो पापा नु अपन दोगल अपन सोच लाओ हाय पतर के इधर बैठ इधर तब मेहमान जी राहुल बहनिया माजा मारा था कि ना कोनो ठीक बा माजा मारते होई धनी घर में शादी भेल बा एसी में रहला आ खाना पीना नौकर बनावेला ई सब तो भगवान के मर्जी बा फूफा ओ फूफा चला ना अंगना में माई बुलावता चला ना माई नाश्ता निकाल के पलंग पर धइले बा चला आओ तनी आओ तनी आओ ए मेहमान बाहर बैठो भीतर का जा तनी ए हटू सरोजिन बुलाओ तरी 12 दिन ओकरा वेट कला केने बारो ओ करे जा अरे भौजी काल में हो भौजी प्रणाम खूब खुशी रही बड़ी सुंदर लगा तरी भौजी मन कर त काचे काट मत छोड़ा आ कहीं ना ना दिए के समाचार
ठीक है मान कि रघु वाले के सही की मेहमान जी नंबर 12 बनिया खा रहा बा कति भौजी ए रोटी हमरा दिले घबरा गेल हम समझ नहीं कुछ और तुम्हारा गंदा गंदा बात सोच के तुम्हारा गंदा गंदा बहू रे फूफा जी के बैठे लगे कुर्सी ले आवा जा ए जो जाके कुर्सी ले भाई तोरा के कॉल हुआ कि हमरा के तोरा के माई केकरा कॉल है कुर्सी ले आवेला तेरे बाप के ओ पापा के पापा जाके कुर्सी ले आओ फूफा के बैठे ला माई कहत हवा दूसरा खड़ा होके मतारी के खेला देखा तर जो सला जाके कुर्सी लिया हम एक आई जाई हो एक ने कहले कहल एक ने के तोर बाप हो कि बाप के बाप हबो कथि कहले रे साला बाप चाहेंगे बतिबे मारत करो बरे नि पुतरा मुआ ना तो हमरा लइका वाके ए चुप बतरी तू चुप ज्यादा बोलू तो आज पिठा से फार अच्छा जाय दू भाई साहब खिसियाओ मत हम खड़खड़ी ठीक बानी ए चुप चला चुप तोरा से बोले नहीं कि जा मऊगा ठीक कहि के कर कुटुंब आवले तो दूरा पर बैठल है सुरसुराइले घर में घुस गेलन सरोजिन से भेंट करे भला आदमी लेखन बाहर चला अच्छा ठीक बा बाहर नाश्ता पानी हुआ कब से बैठल बानी सारा नोटंकी देखा तनी भिखारी ना आई घर के दामाद है पुरान का फूफा नायका दामाद के घर में हिस्से नहीं खे आ पुरान का दामाद कहिया केहू लाड़े पूछता एगो काम करो ना फूफा ई घर वाली लिखवाना लो हां तो लिखवाइए ले हम जहां एक बार ठननी तब तो दो चार काटा लिखवाइए ले हम हमर लड़वा हिलाओ ना सरौ के बेटा हां यार और बाबूजी और अदले बरन की लिखवा लेब ओ भाई जी नाश्ता करब कि ना करब कि भूखे रखब मिली नाश्ता इतना छटपटी कथी के बा भूखे मरल जात रे का अइले सरसराइले घर में घुस गेला हाय जो बउ से जो फुपाला नाश्ता लेके आओ ए भैया चल नाश्ता ले आवल जाओ ए जो कोनो पहाड़ ले आयो के नाश्ता ले आले चार आदमी जाई जैसे कोनो आदमी मरल बा कांधा देके ले आयो के बा आइला फुफा नाश्ता आइला फुफा पानी अरी साला अंडा हमारा अंडा कहाँ ले ले रे ए भाई यो माई दे ले ये कलई ये फुफा खाई हन ए गार मारी फुफा के हमारा अंडा कोनो सरवा ना खाई अंडा हमारा ठीक साला के फुफा तू खा खाओ कुटुम खाओ डराओ मत ई साला अंडा के बच्चा बा ए फुफा अंडा के खाल पूरा गांव में निकाल दे हम अगर अंडा के छू दे लनु त तोर से परवा ले हम ए कुटुम खाओ रहुआ हम बानी नु फुफा अंडा के छू दे ल त तोहर मुंह छू कर के तोरे गांव में साट दे हम खाओ मेहमान खाओ ढिटे फुफा तू खा हम पकड़ ले बानी ए फुफा फुफा तू डरा मत ढिटे खा ए बाप बाप अंडा मुंह में जाता हमार जूजी खाना फुफा अंडा खाई साला पकड़ो तर अब ले जसन भूजा प्याज के खाई हटावा सन ए बहू ए प्लेट हटा मेहमान ना खयन इनका गांड भरल बा अड्डा चा बाबा तालो बकरी के घास समय काटी लो बैठ के चुतर से करता बाबूजी देखी ना के आल बरन के आल बरन हम सतरंगी प्रणाम बाबूजी खुशी नहीं खुशी नहीं काहे ला ओइने हो मुंह मरवा गए बनी साला घर में कोनो इज्जत नहीं के कोनो टी खिला होता कोनो अंडा छीनता कोनो घर से निकलता है बहुरूपिया बानी का बहुरूपिया राक्षस कह राक्षस अंडा हमर काय खाला बिना पूछ ले ए हम काय जानी अंडा कहां से लेके आइल मुंह में तो ना पड़े देले छीन के खा गेले अच्छा फूफा तू टेंशन मत ल भेना अंडा पारम त खिया अच्छा ना 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 ध्यान हमर मुर्गी अंडा पारे नहीं तो खिया बंटी अंडा तू पर बे एक बार मुर्गा से पाल खा के पड़ते हो जो साला तू ये पाल खो रोज अंडा पड़ी है रोज तरवा के खाई है
रे साला तू न कहले अंडा परम त फुफा खइहन रे साला गलती से मुंह से निकल गेल को गेट छोड़ न छोड़ और मुआ आप उठे फुफा ए हटी रहुआ उठे फुफा जी अरे बाबू बाप बउवा जी बैठावा कुर्सी पर ए हटी ए बटवा घर में दोगला लड़का से पैदा ले लेबा आ फिर भी लोग दौड़त रहता ससुरारी बात आई ना लो फूफा जी के नाश्ता ना करल हुआ कम से कम खाना खियाबा हूँ जा बउवा जा मेहमान के खाना लेके खिया दो उनका घर जाए के बाद अभी खाना बनल काम के लिया दी लोग फुफा रात के बसिया रोटी और वाली सब्जी वाली लिया दी वह खाए में खटता वह कोनो बात नहीं के सर बेटा कोनो बात नहीं के हमरा कोनो काम धंधा बा बनू गरम गरम खा के जाए आ फुफा मुर्गो के मीट मंगा दी वह का ना 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 मुर्गा एक काय ला लिए वह खस्सी के लिया वह खाए में बड़ी मजा आई केहू सार हमरा से मीट का पैसा मांग ले लखनू तो हमारे मुँह में लार धास दे कौनो बात ना कौनो बात ना जो बोगो मीट लेके आ जो चल भैयो रे ठीक कहले हम मीट ले आवेला आज फुफे के बहाने मीट चापल जाई सा साला रोज रोज अंडा खा के लवंडा बनल बनी सा भैयो रे अपन बापू हाथ पर बड़ी जोर से मरले हो बहुत जोर से हाँ। अच्छा कोनो बात नहीं के एक पीस बेसिए खाइए सारा दर्द दूर हो जाएगी हाँ। पाहुन इतना करिए काहे बानी फूफा जी चिमनी में काम करिले भोर से कह इतनी इतना झोकड़ल काहे लागे तनिया फूफा जी राउरो मुहुआ गधा के फूलल गांड लेखा लागता अच्छा दमा जी मानदान होकेला कि ना कि हमरे लेकिन रोज रोज बेइज्जत होकेले मानदान हमर झाट होकेला वो से बतर दशा होकेला लेकिन चाहेला कि कब चल जा लेकिन हमू खिसे खूटा गार के बैठल बानी डेढ़ महीना से ठीक कहतनी पाहुन एगो हमरो समय रहे घर में जाते गोर धोवाए लागे आ मीट मछली से घर गमगम महके ठीक कहतनी फूफा जी लेकिन आज के समय बा मीट मछली तो दूर के बात बा खाली पाद मौकेला अच्छा ये सब बात ठीक ठाक नहीं के लेकिन मिठुआ होता ताले आराम कर ली इस्माइल भाई गोल पीस काटा गोल पीस का इस्माइल मुर्गा कैसे चलत हौ मुर्गा चलत नहीं के बैठल बा सरा हूँ मजाक कैले बरा दाम बताओ सरवा अच्छा भाई तनिए तो बता भाई सरवा दाम पूछल का खाली पूछल का मुर्गी कैसे चलता है रुक ए दाम बताओ कैसे हो 200 रुपए किलो ओ भाई पैसा लावा ए इस्माइल सुन ना एक बार इतना बीख मत पाद कम कितना करबे ये बताओ ना भाई कम ना हो तो 1 रुपया कम ना करबो ला 1 रुपया कम दे 199 रुपया लाओ साला 1 रुपया कम करके एहसान करो तरह का रे 180 रुपये देवे बोल अभी खरे खरे कटवा ले बहू कम ना हो तो आगे बढ़ ए चल कम ना करी सरवा चल ए भाई बोल तू कितना चाहिए आधा किलो भाई मिठो ना ले भाई का ए लेवल जाई चुप ना वो अपने बुलाई कहियो भाई हेने आवा 180 रुपए दो तान का इंतजार कर कहां बोला लोग रे साला साला दोगला बारे है ना बोले लखा चल ले लेवल जाई चल इस्माइल आए दाई मिनट एक किलो सरवा रकम कर बेटा आई धर 200 रुपये अपना गांड में खोस ले अच्छा एगो समय रहे हमू बहुत बड़का छिना रहे फूफा जी रहुआ रही हम बानी फूफा आई देखा मीट देखत तू बड़ा साला सबके दुगलाई काचे मीट से मुंह पर मार देल काथी दुगलाई बतियाला फूफा मुँह पर ना मरियो तो गांड पर मरियो देखत नु बड़ा साला के दुगलाई बतियाइल बपो साला कम हरामी नहीं के
सब सुनत रहला लइका सके समझावल ना हमका बार बोली वेशभूषा बनैले बारे गादहा लेखन त सह प्रणाम मूसा खुशी रह देहवा पर काहे ने चढ़ा देले अइलन सरसराइल घंटी मारते प्रणाम मूसा चल साइकिल पीछे कर घर में खायला खर्ची ना अब बातत रहे के बाप पर्ची ये घर में दूगो कुटुम कम रह लख कि तीसरा चौथा आ गेल ए हमिए वाला बतानी कुत्ता लेखन चिल्लाल बर अब त साला स तो मार के बेलगा दी ना मीट मंगा मंगा के खियावो गांड फटे नो बाप के नु अर्जे में का बेलो दादा गे तने साला के दुगलई अरे ई त बाबी मौसी के बेटो सब आ रहे हैं रवि और रंजन अरे कोनी बेले हस रे प्रणाम भैया प्रणाम भैया खूब खुशी खूब प्रणाम प्रणाम भैया ए हट चला हट प्रणाम कराओ के औकात हो तोरा जाके फल एके प्रणाम कर लई प्रणाम भैया खुशी रह बाबू हमर अच्छा दादा कुछ बोलो तो दादा के बात के बुरा ना मानिए सर ऐसे मिठाई में तो नहीं कथी ले ले सर का कुछ लेनी है माई पैसे ना दे ले रहल तो तोहनी कथी करे ले धर्मशाला बुझ ले बारे बिना कुछ ले ले चल दे वालीस अइले पानी पी हटा पानी ए का बिलवा पिए दहु ए मिठाई ना खेले के आल जा दे भइयो पानी पी लेवे दही ए बिना मिठाई के कुटुंब कसनो कोले रे चल चल लेके चल घर जो भइयो घरे रात हो तब बैठला से कोनो फायदा ना हो साला दोगला छो सब दुगारी पे कहियो मु तहु ना है साल बिना मिठाई के मुंह उठा के चल दिया बउओ देखो मीट बनल कि ना बनल भूको लागल बा बाप के जूजी खाला बेचैन बा देखा तानी बनल कि ना बनल माई मीट बन गेलौ हां हो गेलौ ए माई पानी मत लगाई हम भूजल खबाऊ हमहु भूजले खाबो लोगन हां पानी ना लगाई ना अच्छा ठीक हो जा जा के प्लेट ले आओ लोगन जा साला सब कहतो नहीं कि मीट बन गेल बा आके खा ल उम्मीदो रखले बारा का खायला उ सर्वस से बचतव तब नु खैबो भाईयो तोरा में ज्यादा जात थल मीट के कमी ही करे होना ना साला चुपचाप ज्यादा जात थल हाली हाली खोन द फुफा जतव हां बैठला से काम धंधा ना चले वाला बा दमाद जी अपना से गोड़ा चलाए पड़ी ना तो भूखे गांची आर के मोर ए मेहमान भीतर कहां बारे बैठू बारे खाना आई बोलू मत ज्यादा रहुआ साला हिया भूखे बैठो बैठल गांर के नस फटल बा आ खाना बाहरे आई तोरी बहिन करा के अरे सब रे कढ़ाई चाट के चिकन कर देले बड़ा अच्छा एकरा मतलब अलग बर्तन में रखल बा आउट मिटवा भाइयो फूफा ता कुछ जानते ना हो बतावो तनी फूफा माई मिटो बनेले रखा अच्छा आ खाए में लागल बहु से अच्छा आ तू रह गेल हा पाछा आ खाते खाते खत्म कर देनी है अरे साला साला मिटो खा गेले कुत्ता के बच्चा सब बारे करे ए भोसरो केने मारू हे न्या अंगना में कैसे कैसे लइके पैदा कर ले मारू फूफा ए फूफा हमनी के मदारी के गाड़ी ना तो हमनी मिलके गाड़ी फाड़ी ए साला हमरे घर पर रे भैया हां फूफा के गाड़ में मारो थाने हाथे पकड़ाओ ए हट सलात ओरे फूफा ए मेहमान ए रुकी हम दूसर कुछ ले आओ तनी खायला चुप छिनरे मार दो सा मार के फूफा के गाड़ो फाड़ दो ए मेहमान आखिर का भेला काय छिन्नी मौगी लेखन गीत का करवा तनी लइका से दोस्त सब मिल के मर रखा अरे पापा हट जा आज फूफा के गार फाड़ दो ए काहे रे का भेलो फूफा के गार काहे फाड़बे साला माई के छिनरी कहलक म
मार के धोती कुर्ता फाड़ दे साला के। आ पापा गाड़वा के का करी साथे साथे हुआ फाड़ दे। ए क्या करता है लोगन ठीक नहीं कहो बीच में लबर लबर बोलता रहा। तोरा घर जाके तोरा बहनिया के चिनरी कहती तो कैसा लगता आपको? चुपचाप खड़ा रहा मतलब फूफा के साथ साथ तोरो गार फरा जाई। अरे फूफा के पेट में फुल्ले बा। अरे मार के पचकाओ। रुक अब तोरी के फूफा के बुला के ले आ तब तोरी के हम बताए कि फूफा जी के कितना मार मार ले बारे। तई का देर आ रुक जा फूफा तई का देर ओकरा बाद हम ने हगाइए देन सो। तो अगर आप सब भी अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव 50% बोनस। तो ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए।